शनिवार को कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, पार्टी के प्रदेश महासचिव कमल सिंह रघुवंशी समेत कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि राजनीति में सभी के लिए अवसर देने की बात कही गई है। कांग्रेस ने संविधान एक तरफ रखकर एक परिवार को बढ़ावा दिया है, उसे लागू किया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में अगर मोदी जी और भाजपा नहीं हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन से दौर में भारत पहुंच गया होता। 139 साल पुरानी बुजुर्ग कांग्रेस है, कुछ बुजुर्ग और जर्जर नेताओं के सहारे पे इमारत खड़ी है। कांग्रेस अब हेरिटेज की तरह हो गई है, इमारत की तरह हेरिटेज की, इसमें रहना कोई नहीं चाहता। और बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है कि वो अब किसी को पनाह भी नहीं दे सकती। आज वहां पर भगदड़ के हालात हैं। 4 लाख से अधिक लोग अभी तक मध्य प्रदेश में बूथ स्तर तक कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। अब जनता का विश्वास, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं का भी विश्वास अब कांग्रेस पर नहीं रहा है। सभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकसित भारत है, जो माननीय मोदी जी ने कल्पना एक स्वर्णिम भारत की है, एक वैश्विक भारत की है, उस विकास की धारा में साथ बहना चाहते हैं और उसी के तहत आज ये ज्वाइनिंग माननीय गुलवानी जी की, माननीय शुक्ला जी की आज हुई है। एक बार मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके इस चुनाव के अभियान के दरमियान जिनकी जैसी जवान वो वैसी बात करेंगे, उनकी जवान पे हमको नहीं जाना है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे, कोई भी मन में किसी प्रकार के भी सारी बातें आती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं और आपको समय समय पर अपने जिले में, विधानसभा में, लोकसभा में, अभी तो लोकसभा का मौका चल रहा है, हम सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाए और एक नया इतिहास बन रहा है। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहा है, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे बूथ वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के, वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं। हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है हमारे प्रदेश की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।